हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 11 रिबेल्स एंड द राज। रिबेल्स एंड द राज मोस्टली जो पूरा चैप्टर है ये एक ही कॉन्सेप्ट पे रिवॉल्व कर रहा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों अकर हुआ था, उसके कॉजेस क्या थे। तो अगर आपको ये कॉजेस पता हो तो मोस्टली अगर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप उसको ईजिली आंसर कर सकते हो। कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इकोनॉमिक कॉजेस थे, सोशल कॉजेस थे, पॉलिटिकल कॉजेस थे, रिलीजियस कॉजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस थे और मिलिट्री कॉज थे। अगर आप अपने एग्जाम में इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत बेटर रहेगा प्रेजेंटेशन वाइज। मैंने इस वीडियो को बनाया ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आंसर कर सकते हो। तो पॉलिटिकल कॉजेस डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्म्स डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक ब्रिटिशर्स की टेक्निक थी जिसमें ये कहा गया था कि हिंदूस को प्रोहिबिट किया गया था, हिंदू रूलर्स को, कि जिनके पास नेचुरल हेयर नहीं है वो अगर किसी को एडॉप्ट करें, तो अगर किसी राजा का नेचुरल हेयर नहीं है तो उस रूलर की डेथ के बाद उसका पूरा लैंड जो है वो ब्रिटिशर्स इनैक्स कर लेंगे। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ये एक सिस्टम था जो लॉर्ड वीजली ने 1798 में डिवाइस किया था। अगर कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता था, इस अलायंस में एंटर होता था ब्रिटिशर्स के साथ, तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा होता था। वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि ब्रिटिशर्स चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट हो, यानी कि बाहर से कोई राजा उस राजा पे अटैक करे, या इंटरनली भी कितनी बार विद्रोह हो जाता है ना कि राजा के अगेंस्ट, अगर ऐसा कोई भी थ्रेट होगा तो ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे उसको। दूसरा, उस जगह पे उस एले ने जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, जिसने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया है, ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे रहेगी, स्टेशन रहेगी। अब जाहिर सी बात है अगर ब्रिटिश आर्मी वहाँ रहेगी तो उसके लिए रिसोर्सेज, आर्मी को सैलरी, खाना वगैरह सब, वो सारे रिसोर्सेज उस एले को प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो इस अलायंस में एंटर हो रहा है। इस अलायंस में एंटर होने के बाद कोई भी अदर रूलर के साथ अगर वो लड़ना चाहता है, वॉर पे जाना चाहता है, तो उससे पहले उसको ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस राजा के अगेंस्ट लड़ाई यानी कि वॉर करना चाहता हूँ। तो ब्रिटिशर्स उसको बताएंगे कि हाँ ठीक है आप लड़ लो, नहीं तो नहीं। तो एक तरीके से राजा की अपनी कोई पावर रह नहीं गई। अब पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट क्या थे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉज है कि नवाब वाजिद अली शाह, जो कि एक बहुत पॉपुलर रूलर थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था और उनकी स्टेट को अनैक्स कर लिया गया था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काफ़ी सारे किंगडम्स पे अप्लाई किया गया था, जिसके कारण काफ़ी सारे किंगडम्स अब ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए थे, जैसे कि सतारा, नागपुर, झांसी, काफ़ी सारे किंगडम्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इनैक्स कर लिए थे इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। और काफ़ी सारे रूलर्स इसीलिए डर भी गए थे कि उनके साथ भी ऐसा ना हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को परमिट नहीं किया गया था कि वो झांसी के थ्रोन पे बैठे, इसी तरीके से सतारा, नागपुर, इन सबको इसी तरीके से इनैक्स कर लिया गया था। तो इस कारण से काफ़ी सारे, अब जब एरियाज इनैक्स कर लिए जाएंगे तो वहाँ के नोबल्स, ऑफिशियल्स, रिटेनर्स एंड सोल्जर्स ये सब जॉबलेस हो जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे अब ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश के नोबल्स वो सब वही होंगे और उनको जॉब्स मिलेंगी, तो ये सब जॉबलेस हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इंडियन से सर्वेंट्स और स्लेव्स वाला ही काम कराते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज की। तो इकोनॉमिक कॉज ये था कि ब्रिटिशर्स अपना सामान चीप रेट पे बेचा करते थे, क्लॉथ्स जो भी होते थे वहाँ से मशीन में बन के आते थे और यहाँ पे वो इंडिया में उनको सस्ते दाम पे बेचते थे। इससे क्या हुआ, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी सारे क्राफ्ट्समैन अनएम्प्लॉयड हो गए।
ब्रिटिशर्स ने इवन हैवी ड्यूटीज इम्पोज कर दी थी इंडिया के, इंडिया में जो गुड्स बन रहे थे। इससे क्या हुआ कि उनके कंपटीशन में और कोई रहा ही नहीं, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का सामान सस्ता होगा तो लोग ब्रिटिशर्स का ही सामान खरीदेंगे। तो एक तरीके से इंडिया की सारी वेल्थ जो थी वो ब्रिटेन जा रही थी, हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो सब ड्रेन हो रहे थे। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको इम्पैक्ट पड़ा था। काफ़ी सारे जो सिपॉयज थे वो फार्मर क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब उनके एंसेस्टर्स किसान थे या वो गांव से ही बिलोंग करते थे। तो जब पेजेंट्स को इफेक्ट हुआ तो उनको भी बुरा लग रहा था अंदर से कि इनके साथ काफ़ी गलत कर रही है ब्रिटिश सरकार। सोशल एंड रिलीजियस कॉज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि इंडियंस तो अनसिविलाइज्ड हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ट है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया की अपनी जो रिलीजन, हमारे इंडिया की जो सॉरी सिविलाइजेशन थी, हमारे इंडिया के तौर तरीके थे, वो सब एक तरीके से ख़त्म कर दिए गए थे धीरे धीरे। 1850 में हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी चेंज कर दिया गया था। अगर आप हिंदुइज्म, आप हिंदू फॉलो हिंदुइज्म में हो तो आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, इनहेरिट करना चाहते हो। तो आपको अगर आपके लाइक इनहेरिटेंस एंसेस्टर्स की कोई ज़मीन है, आपको वो ज़मीन चाहिए, तो आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी सारे लोग कन्विंस हो गए थे कि गवर्नमेंट सबको क्रिश्चियन बनाना चाहती है, और काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन हुआ भी था। ब्रिटिशर्स ने सती सिस्टम और फीमेल फीटिसाइड को एबॉलिश कर दिया था, ये तो एक तरीके से अच्छा स्टेप था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इससे हमारा जो एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर जो पहले से चला आ रहा था वो काफ़ी थ्रेट में आ गया था। तो लोग डर रहे थे कि जो हमारी एक्चुअल चीज़ें हैं वो तो ख़त्म करते जा रहे हैं ब्रिटिशर्स। वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन आ गए थे, जिससे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू और मुस्लिम्स थे उनको भी चैलेंज हुआ कि ये क्या नया सिस्टम आ गया। अब रेलवे और टेलीग्राम को भी सस्पिशन से देखा जा रहा था। मिलिट्री कॉज क्या था? मिलिट्री कॉज था ग्रीस कार्टेज। ग्रीस कार्टेज जो नई आई थी उसमें एक रूमर था कि वो फैट ऑफ काउ एंड पिग से बनती है, तो उनको लोड करने से पहले उनको बाइट करना पड़ता था उस पेपर ऑफ कार्टेज को। तो इसको रिफ्यूज कर दिया मुस्लिम और हिंदू सिपॉयज ने कि हम इसको नहीं यूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज था ब्राइब एंड करप्शन ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल। काफ़ी ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था, हर काम कराने के लिए करप्शन हो रहा था, पैसे देने पड़ते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल करप्ट हो चुका था। इमीडिएट कॉज, ये सब कॉजेज जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने डिस्कस किया, सब्सिडरी अलायंस हमने डिस्कस किया, एजुकेशन सिस्टम, सती को एबॉलिश करना, ये सब सिस्टम्स तो धीरे धीरे हो रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि ये चीज़ अराइज हो गई? तो एकदम से था ग्रीस कार्टेज वाला रीज़न, कि ये रूमर फैल गया था कि ये फैट ऑफ काउ एंड पिग से बना है, तो सिपॉयज ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। लॉर्ड केनिंग उस वक्त थे तो उन्होंने काफ़ी सारे अमेंड्स किए और जो ऑफेंडिंग कार्टेज थी उसको विड्रॉ भी कर लिया गया, लेकिन तब तक डैमेज काफ़ी बढ़ चुका था। तो मार्च 1857 में आपने ये मंगल पांडे मूवी अगर देखी हो तो उसमें भी दिखाया गया है कि हाउ ही रिफ्यूज्ड कि वो इस कार्टेज को नहीं यूज़ करेंगे, और काफ़ी सारे सीनियर ऑफिसर्स को अटैक किया गया था। फाइनली 8 अप्रैल को ही वॉज हैंग्ड। 9 मई को 85 सोल्जर्स ने मेरठ में रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस नई राइफल को नहीं यूज़ करेंगे, उनको भी 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई। और यहीं से ही 9 मई के बाद धीरे धीरे रिवोल्ट ऑफ 1857 अगले दिन ही जब 9 मई में यहां से वो शुरू हो गया था। तो ये थे कॉजेज। अब एक क्विक रिविजन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स की। तो सबसे पहले है सोशल कॉज। सोशल कॉज में था कि वेस्टर्नाइजेशन करते जा रहे थे हर चीज़ में, कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया था, हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर को एक तरीके से थ्रेट में आ गया था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल कॉजेज में आंसर आएगा इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस। ये इकोनॉमिक कॉज था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह हमारी इम्पैक्ट हो रही थी, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि ब्रिटेन से चीप मटेरियल, चीप क्लॉथ बनकर आता था और यहाँ के क्लॉथ पे हैवी ड्यूटीज इम्पोज कर दी गई थी।
हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज ये था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में ब्राइब देनी पड़ती थी लगभग हर काम के लिए, करप्शन बहुत बढ़ चुका था. मिलिट्री कॉज था ग्रीस्ड कार्टेज. रिलीजियस कॉज ये था कि हिंदू लॉ एक्ट में चेंजेस किए गए थे, सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइज को अबॉलिश कर दिया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया था, एंड आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता था हिंदुइज्म से. तो काफ़ी सारे लोगों को ये थ्रेट था कि धीरे धीरे गवर्नमेंट सबको क्रिश्चियन बनाना चाहती है. तो दिस वॉज ऑल फॉर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 10th मई 1857 को शुरू हुआ था. शुरू हुआ था ये मेरठ में, और मेरठ से ये सिपोय म्यूटनी हुई थी कंटोनमेंट एरिया में मेरठ के, वहाँ से फिर ये दिल्ली तक आई थी. अब बात करते हैं कि सिपॉयज ने बेसिकली क्या किया था. तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था बेल ऑफ आर्म्स, जहाँ पे सारे हथियार रखे जाते थे, और सारे वाइट पीपल को अटैक किया गया था, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके बंगलोज को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रिकॉर्ड्स वगैरह हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय सिपॉयज. टेलीग्राफ लाइन्स को कट कर दिया गया था जो दिल्ली तक जाती थी. सिपॉयज दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में जो लोकल ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने भी इन सिपॉयज को सपोर्ट किया. इन सिपॉयज ने सीधा जाके बहादुर शाह जफर को बोला कि हम चाहते हैं कि इस पूरी म्यूटनी, जो इस सिपॉय रिवोल्ट हो रहा है, इसकी आप लीडरशिप लो. बहादुर शाह जफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी है लीडरशिप. पैटर्न ऑफ रिबेलियन क्या था, किस तरीके से बेसिकली इस रिबेल को किया गया था, तो हमने देखा कि हर कंटोनमेंट एरिया में काफ़ी सिमिलर पैटर्न से ही रिवोल्ट किया गया था, कि वहाँ के जितने भी वाइट पीपल थे उन पे अटैक करना, उनकी बिल्डिंग्स पे, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना. एक तरीके से हर जगह पे सीक्वेंस ऑफ पैटर्न काफ़ी सिमिलर था. हिंदूज और मुस्लिम्स बिल्कुल यूनाइट हो गए थे फिरंगीज यानी कि ब्रिटिशर्स, वाइट पीपल के अगेंस्ट. ऑर्डिनरी लोगों ने भी इस मोमेंट को ज्वाइन कर लिया था. देखा जाए तो मेजर टाउन्स जहाँ पे ये चीज़ हुई वो थे लखनऊ, ये रहा लखनऊ, कानपुर और बरेली. इन तीन जगहों पे मेजर टाउन्स थे जहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ. यहाँ पे ना ही सिर्फ वाइट लोग बल्कि मनी लेंडर्स और रिच पीपल जो कि थे तो इंडियंस, लेकिन उन पे भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा था. There was a proper line of communication. ये माना जाता है कि जिस तरीके से हर जगह पे similar pattern था, तो इसका मतलब कि हर सिपॉयज ने एक दूसरे से communicate किया होगा कि यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं हम. तो there was a clear line of communication between the सिपॉयज. अब काफ़ी सारे leaders और उनके followers भी उभर के आए इस movement में. ब्रिटिशर्स को फाइट करने के लिए लीडर्स चाहिए थे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए थी ताकि ब्रिटिशर्स को हराया जा सके. फर्स्ट एक्ट जो मेरठ के सिपॉयज ने किया था वो था कि वो दिल्ली आए और उन्होंने मुगल एम्परर को अपील किया कि आप हमारे लीडर बनो इसमें. बहादुर शाह जफर डर गए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके पास बाद में कोई चॉइस नहीं थी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा नॉमिनल लीडर एक तरीके से, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत वास्ट था, काफ़ी बड़े एरिया में था. तो मुगल एम्परर के नाम पे ये मूवमेंट एक तरीके से शुरू हो गई. तो वो नॉमिनल लीडर थे, मतलब वो कोई खास एक्शन ले नहीं रहे थे, बस उनके नाम पे इस मूवमेंट को बढ़ा दिया गया. इन कानपुर में जो सिपॉयज थे और लोग थे वो नाना साहेब के पास आए कि आप लीडर बनो, जो कि पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर थे, और उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उनको भी इस रिवोल्ट में अपनी लीडरशिप पार्टिसिपेशन देना पड़ा. झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी प्रेशर था, उनको भी लीडरशिप एज्यूम करनी पड़ी. अवध में नवाब वाजिद अली शाह, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था और अवध स्टेट को ब्रिटिशर्स ने इनैक्स कर लिया था. और ये मूवमेंट बहुत नई थी, लोगों के अंदर अभी भी उस चीज़ को लेके काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि नवाब वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है. लेकिन वो गलत थे, नवाब वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर थे अमंग उनके एरिया के लोगों में, और इसीलिए लोगों में बहुत गुस्सा था. रूमर्स और प्रोफेसीज जो फैली और जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ, तो सबसे पहली बात जो फैली थी वो थी कि जो बुलेट्स
उनमें फैट ऑफ काउ एंड पिग था। उनको बाइट करने पे ये माना गया कि हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजन को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये भी रूमर था कि ब्रिटिशर्स बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग को फ्ला यानी कि आटे में मिक्स करके मार्केट्स में बेच रहे हैं, जिसके कारण कंटोनमेंट एरिया में काफ़ी सारे सिपॉयज और कॉमन पीपल ने आटा टच करने से भी मना कर दिया। लोगों के अंदर ये फियर था कि ब्रिटिशर्स सारे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब लोगों ने इन रूमर्स को कि बुलेट में काओ और पिक का फैट है या आटे में ये सब मिला रहे हैं, इन रूमर्स को क्यों बिलीव किया? इसीलिए बिलीव किया क्योंकि 1820 से ही ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जो कि ये शो करती थी कि हाँ वो इंडिया के लोगों के कस्टम्स को रिलीजन्स को ख़त्म करके क्रिश्चियनिटी या अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो आइडियाज़ हैं उनको इम्पोज करना चाहते थे, उनको इंडिया में लाना चाहते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म कर दिया था। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ला दिया, वहाँ के वेस्टर्न आइडियाज़ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में ला के सेटअप कर दिया। यहाँ के जो हमारे इंडिया तौर तरीके थे जिस तरीके से पहले पढ़ाया जा रहा था उन सबको ख़त्म कर दिया। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने एबॉलिश कर दिया सती प्रथा को और रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज को भी परमिट कर दिया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके कारण लोगों के दिमाग में आ रहा था कि हमारे जो सदियों से चले आ रहे तौर तरीके हैं उनको ब्रिटिशर्स ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर एक डर डेवलप हुआ था इंडियंस में। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध को ये कहा था कि ये एक चेरी है जो हमारे मुंह में कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। इसकी शुरुआत हुई सब्सिडरी अलायंस से जो कि 1801 में इम्पोज किया गया। इस अलायंस के तहत जो नवाब थे उनकी अपनी मिलिट्री, हर नवाब हर राजा की अपनी एक आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, क्योंकि उसी से वो पावर रखता है, लोग उनमें डर पैदा करते हैं और वो पावरफुल होते हैं तभी लोग उनके अगेंस्ट, कोई बाहर से भी उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इस अलायंस के तहत नवाब की अपनी मिलिट्री को डिस्बैंड कर दिया गया, यानी नवाब की अपनी कोई मिलिट्री अब नहीं थी। ब्रिटिशर्स की आर्मीज उनके एरिया में आके खड़ी हो गई थी और ब्रिटिश के लोग ही उनको एडवाइस करते थे। इसके कारण क्या हुआ कि नवाब इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पे, अपने एरिया के लॉ अपने एरिया की हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी नवाब ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे। और इसका इम्पैक्ट ये भी था कि जो रिबेलियस चीफ्स या ताल्लुकदार थे जो राजा के या नवाब के अगेंस्ट थे उनके ऊपर अब नवाब का कोई कंट्रोल ही नहीं था क्योंकि नवाब के पास खुद की कोई आर्मी कोई मिलिट्री थी ही नहीं। 5 years later 1856 में फाइनली इनका किंगडम को एनेक्स कर लिया, ये अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, उनको कोलकाता भेज दिया गया और ये कहा गया कि ये इस एरिया को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे, इस एरिया को मिस गवर्न किया। समरी सेटलमेंट आ गई। समरी सेटलमेंट का मेन प्रोसीजर ये था कि वो तालुकदार्स को बीच में से हटाना चाहते थे। अवध ने सबसे ज्यादा टाइम तक 1857 के रिवोल्ट में फाइट किया था। लोकल पीपल तालुकदार्स पेजेंट्स जो भी नवाब के लॉयल थे उन सब ने बेगम हजरत महल जो कि नवाब की वाइफ थी उनको ज्वाइन किया। लखनऊ में ब्रिटिशर्स को फाइट किया गया। इवन जब बेगम हजरत महल हार गई उसके बाद भी काफी सारे तालुकदार्स और लोग उनकी तरफ लॉयल रहे। जो भी पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स होती थी या वो परेशानी होती थी उनको वो सब सिपॉयज तक आती थी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिपॉयज जो सिपाही थे वो गांव के एरिया से रिक्रूट किए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि अवध से इतने सारे सिपाही भर्ती होते थे ब्रिटिश आर्मी में कि उसको नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था। व्हाट द रिबेल्स वांटेड, इतनी बड़ी जो ये मूवमेंट चली उनका मेन पर्पस क्या था रिबेल्स का? तो जो सिपॉयज थे या ऑर्डिनरी पीपल थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, दे वर नॉट लिटरेट। तो मोस्ट ऑफ दी जो लीडर्स थे उन्होंने प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार इशू किए ताकि नॉर्मल लोकल पब्लिक तक वो अपनी बात पहुंचाएं कि वो
क्यों ये मूवमेंट कर रहे हैं और उनके क्या आइडियाज हैं, वो क्या चाहते हैं, जिसके कारण और लोग भी उनको ज्वाइन करें। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उनको ज्वाइन करेंगे उनके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अ विजन ऑफ यूनिटी। 1857 की रिवोल्ट में चाहे कोई भी कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, हिंदू मुस्लिम, सब इक्वली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि सबको फिरंगी राज यानी कि ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए थी। सिंबल ऑफ ऑपरेशन, ब्रिटिशर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे वहाँ से ब्रिटिशर्स की बनी हुई कोई चीज़ें आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है, उनसे रिलेटेड कुछ भी था, उन सब चीज़ों को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि हम उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर्स के बाद अल्टरनेटिव पावर्स को सर्च करा जाने लगा कि ब्रिटिशर्स एक बार कोलैप्स हो जाएंगे तो एक दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में एक तरीके का स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के हटने के बाद ये सब चीज़ें एडमिनिस्टर होंगी, कैसे इसको मैनेज करेंगे, उन सब चीज़ों की भी प्लानिंग की जाने लगी। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से पहले जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था, सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू होने लगे, मतलब राजा, एम्पायर, डायनेस्टी जैसे पहले चल रही थी वो सब अब वापस से आ जाएं, ये सब चाहते थे। मेन फोकस ये भी था कि इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हथियार और हर चीज प्रॉपरली मीट हो सके डिमांड्स। अब रिप्रेशन, ब्रिटिशर्स कोई भी काम बिना लॉ के नहीं करते थे। उन्होंने एक लॉ पास किए मई और जून 1857 में, काफ़ी सारे लॉज को, एक्ट्स को पास किया गया। मार्शल लॉ पूरे नॉर्थ इंडिया में इम्पोज कर दिया गया। सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं, ऑर्डिनरी ब्रिटेन के लोग जो थे, ब्रिटिशर्स, वाइट पीपल थे, उनको भी ये राइट दे दिया गया कि अगर उन्हें किसी पे भी शक हो कि वो रिवोल्ट का पार्ट हैं, उन्हें वो पनिश कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स, हिंदू मुस्लिम, इनको तोड़ा जा सके, क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा था, इंडियंस बहुत सारे थे और ब्रिटिशर्स बहुत कम थे। तो अगर ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 को ख़त्म करना था तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो उन्हें तोड़ दे। तो जो लैंडलॉर्ड्स उनकी बात मान लेते थे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, उनको उनकी लैंड वापस दी जाती थी, लेकिन जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, जो ब्रिटिशर्स से फाइट करते थे, उनको पनिश किया जाने लगा। तो ब्रिटिशर्स तोड़ने लगे कास्ट बेस पे, हिंदू मुस्लिम के बेस पे ब्रिटिशर्स ने तोड़ना शुरू किया। अब काफ़ी सारी इमेजेस ऑफ रिवोल्ट भी बनी उस वक्त। जैसे आप इमेजेस देखें तो रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये इस तरीके से पेंट की गई है बाय थॉमस जॉन्स बार्कर। ये पेंटिंग है द मेमोरियम, ये जोसेफ न्यूएल पैटर्न ने पेंट की है और इसमें आप देख सकते हो कि गर्ल्स कितनी परेशान हैं और पीछे ब्रिटिश आर्मी अब आ रही है इनको बचाने के लिए। इस तरीके की इमेजेस ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि ब्रिटेन में भी सर्कुलेट हुई, तो ब्रिटेन की नॉर्मल पब्लिक भी गुस्से में आ गई एंड देवर अगेंस्ट कि यहाँ पे लोग कितना सफर कर रहे हैं। मिस व्हीलर ये अपने आप को डिफीट कर रही हैं कानपुर के सिपाहियों के अगेंस्ट। ये एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि ये ब्रिटिश लायन है, ये बंगाल पे हावी पड़ रहा है। अब नेशनलिस्ट इमेजरी, जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी वहां पे इमेजेस दिखाई, इस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट में हमारे यहाँ पे भी इमेजेस बनी। एंड ये जब हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई बाद में हुई तब भी इन इमेजेस को यूज किया गया। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है द क्वीन विद अ स्वॉर्ड, रानी लक्ष्मीबाई की ये वाली इमेज कि कैसे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही हैं, सोल्जर्स को फाइट कर रही हैं, इस इमेज को बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक माना जाता है। और जब हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई बाद में भी हुई तो इन इमेजेस को यूज किया गया था। हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, इवन मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो, ये लाइन सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत फेमस है और ये पूरी पोयम है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत पॉपुलर पोयम है और इन पोयम्स को पेट्रियोटिक फीलिंग, जो देशभक्ति की भावना थी हमारे अंदर, उसको जगाए रखा इन पिक्चर्स ने, इन मोमेंट्स में। ऑल्दो रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया इंडियंस को और उन्होंने वापस से अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए।
तो ये था आपका पूरा चैप्टर द रिबेल्स एंड राज द रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमेशा रहे अपडेटेड। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।